गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। सो क्लास सेवेंथ, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 4 टुडे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, ओके। सो बी रेडी, sit with the book and pencil and rubber in your hand so that if anything is important you can mark it down, okay. So let's start. So lesson number 4 ka name kya hai aapke? The name of lesson number 4 is pronouns. Theek hai bachcho, to aapke chapter ka name hai pronoun, okay. To aap logon ne बचपन में भी, मतलब बचपन में क्या, छोटे क्लासेस में भी प्रोनाउंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास फिफ्थ और सिक्स्थ में, ठीक है ना। ये आपके लिए कोई न्यू टर्म नहीं है, लेकिन अभी आप लोग क्लास सेवेंथ में आ गए हो तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे, ठीक है, डिटेल स्टडी करेंगे उसकी। चलो तो शुरू करते हैं, प्रोनाउन होता क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। तो क्या लिखा है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी नाउन। तो बच्चों, नाउन के जगह पर जो चीज़, जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्लियर? जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे किसी गर्ल को ले लेते हैं समीरा, तो अगर मैंने बोला कि समीरा इज़ अ गुड गर्ल, फुल स्टॉप, दिस इज़ योर फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, ये पहला सेंटेंस है आपका। फिर हमने बोला समीरा इज़ वेरी गुड लुकिंग, ठीक है। फिर हमने बोला, उसी सेंटेंस में पर्टिकुलर लिखते जा रहे हैं बार बार समीरा के बारे में, समीरा स्टडीज, समीरा वॉक्स हार्ड। तो बार बार समीरा लिखने के बजाय अगर हम समीरा की जगह पर एक बार समीरा को हमने संबोधित कर दिया कि समीरा इज़ अ वेरी गुड गर्ल, और उसके बाद समीरा के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, शी। तो अगर नाउन के जगह पर हम किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन, ठीक है ना। ऐसे आप समझ सकते हो कि नाउन के बाद कौन आता है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन माने, डेफिनेशन क्या लिखोगे आप अपनी कॉपी में, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी नाउन। चलो, एंटीसीडेंट इज़ द नाउन फॉर विच द प्रोनाउन स्टैंड्स। और एंटीसीडेंट क्या होता है, वो नाउन होता है, वो पर्टिकुलर नाउन होता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया समीरा वाला, तो समीरा यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट है। इज़ द नाउन फॉर विच द प्रोनाउन स्टैंड्स, जिसके लिए बार बार प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग शी का करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ फेमिनाइन जेंडर शी का प्रयोग करेंगे, और इन केस ऑफ मैस्कुलिन जेंडर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ही का, ही। क्लियर? और कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। चलो, use of pronouns avoids repetitions of the nouns or noun in the sentence. तो बार बार noun का use करने के बजाय हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, pronoun. चलो, Romila asked Rahul about his new painting. He told her it was still incomplete. In these sentences, अब इस sentence को आपने पढ़ लिया, देखो noun क्या क्या है इस particular sentence में, Romila किस टाइप का नाउन है बेटा, पर्सनल नाउन, ये हमने आप लोगों को नाउन के चैप्टर में पढ़ा रखा है। राहुल क्या हो गया, पर्सनल नाउन। एंड पेंटिंग, पेंटिंग भी क्या है, अ टाइप ऑफ नाउन। वी हैव यूज्ड प्रोनाउंस हर फॉर रोमिला, रोमिला के लिए हम लोगों ने सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या इस्तेमाल किया, हर, क्योंकि रोमिला यहाँ पे कौन है, अ गर्ल, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, ये हर लिखा हुआ है, क्लियर। तो हर का प्रयोग हुआ रोमिला के लिए, राहुल के लिए किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, ही का, है ना। और पेंटिंग के लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है, इट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नाउन के प्लेस पे जो भी हमने प्रोनाउन प्लेस किया, जो भी उसके जगह पर हमने प्लेस किया, उसे हम प्रोनाउन के तरीके से समझेंगे। द एंटीसीडेंट हर फॉर हर इज रोमिला, एंटीसीडेंट फॉर ही एंड हिज इज राहुल, एंड पेंटिंग इज द एंटीसीडेंट फॉर इट। तो क्लियर हो गया, एंटीसीडेंट मतलब प्रायर, उसके पहले का,
तो रोमिला के लिए हर जो प्रोनाउन है उसके लिए एंटीसिडेंट कौन हुआ? रोमिला। ठीक है, ही के लिए एंटीसिडेंट कौन हुआ? राहुल। और पेंटिंग, इट के लिए एंटीसिडेंट कौन हुआ? पेंटिंग। चलो तो ये समझ लिया प्रोनाउंस होते क्या हैं। आप जानोगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखो देयर आर 9 काइंड ऑफ प्रोनाउंस। तो आपको कितने टाइप के प्रोनाउंस होते हैं? 9 तरीके के, और आपको 9 तरीके के प्रोनाउंस पढ़ने भी हैं, है ना। तो सबसे पहला क्या हो गया, पहले तो पढ़ लेंगे कि कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ एम्फैटिक प्रोनाउन, फिफ्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेवन्थ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, एट्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, नाइन्थ रिलेटिव प्रोनाउंस। क्लियर। तो वन बाय वन जो प्रोनाउंस हैं इनको हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन। चलो अब पर्सनल प्रोनाउन के डेफिनेशन में क्या लिखोगे? अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन किस प्रकार का प्रोनाउन होता है जो कि किसी व्यक्ति विशेष के जगह पर उसका इस्तेमाल करता है, किया जाता है। जैसे कि आप पर्सनल नाउन के बारे में आप जानते हो ना, जिसमें पर्टिकुलर नेम को इंडिकेट किया जाता है, उसी तरीके से पर्सनल प्रोनाउन को भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि उस नेम के जगह पर जब हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे वही हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। चलो, पर्सनल प्रोनाउन्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, जेंडर एंड केस। तो नंबर, जेंडर और केस की अगर हम बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन्स के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में, अब देखो केस यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये टेबल है, बहुत अच्छी सी टेबल बनी हुई है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो नंबर है, नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तीन तरीके के केसेस दिए गए। तो फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर व्यक्ति होगा, अगर एक व्यक्ति की बात करोगे तो नॉमिनेटिव केस में क्या लिखोगे? आई। पोजेसिव केस में माई, माइन। और ऑब्जेक्टिव केस में उसी को क्या लिख दोगे? मी। ये सब प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल वही हो जाएगा, तो आई की जगह पे वी हो गया, पोजेसिव की जगह पे आवर, आवर्स, ऑब्जेक्टिव के जगह पे अस। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू, योर, योर्स और ऑब्जेक्टिव यू। प्लूरल में यू, देखो प्लूरल में नॉमिनेटिव केस में चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव में भी प्लूरल में कोई चेंज नहीं होगा, योर और योर्स ही रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में भी कोई चेंज नहीं होगा, यू ही रहेगा। इसीलिए हम लोग यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चलो थर्ड पर्सन में आ जाओ, नंबर सिंगुलर प्लूरल, नॉमिनेटिव में सिंगुलर में ही, शी, इट और प्लूरल में दे, नेम्स। ठीक है, एग्जाम्पल चिल्ड्रन। उसी तरीके से पोजेसिव में आ जाओ, हिज, हर, इट्स, देयर्स, देयर, चिल्ड्रंस। ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया? हिम, हर, इट, देम, चिल्ड्रन। ओके, नोट करिए यहाँ पे क्या लिखा है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर शुड बी फॉलोड बाय नाउंस। ठीक है, तो इसके बाद इनवर्ड्स के बाद में क्या आता है? नाउंस। चलो तो अब आपका काम क्या हो गया इस टॉपिक से रिलेटेड? इस टॉपिक से रिलेटेड आप अपनी कॉपी उठाओगे इंग्लिश लैंग्वेज की, उसमें क्या लिखोगे? लिखोगे लेसन नंबर 4, उसका टॉपिक डालोगे प्रोनाउन, फिर डेफिनेशन लिखोगे प्रोनाउन की, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी नाउन। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको पर्सनल प्रोनाउन लिखना है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस लिखना है पहले, और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में 9 प्रोनाउंस आपको लिख देना है। फर्स्ट नंबर डालोगे पर्सनल प्रोनाउंस, उसकी डेफिनेशन लिखोगे, पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन, और फिर ये टेबल बना लोगे अच्छे से, एकदम सफाई से कॉपी में काम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। चलो तो जैसा कि आपने बताया ना, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर शुड बी फॉलोड बाय नाउंस। इन वर्ड्स के बाद नाउन का प्रयोग होता ही है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में लिखा है दिस इज आवर गार्डन, ये हमारा गार्डन है। तो अब आवर का यूज़ यहाँ पे हुआ, ठीक है, आवर का यूज़ हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद किसका इस्तेमाल हो रहा है? नाउन गार्डन का। क्लियर। दूसरा रूल पढ़ लो पर्सनल प्रोनाउन के रिगार्डिंग, माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स आर यूज्ड एज प्रोनाउंस एंड सो दे शुड नॉट बी फॉलोड बाय नाउन।
ठीक है, अब माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, इट्स, ठीक है, इन सारे वर्ड्स को लर्न कर लेना। कि देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट केस जो है आपका, यहाँ पे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब के बाद नाउन आएगा, लेकिन माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, अगर इसी हिज में एच लग जा रही है, हर में एच एस लग अगर लग जा रहा है, हर्स बन जा रहा है, तो इसके बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर्स, कहा जा रहा है कि ये हमारी किताब है और वो तुम्हारी है। तो देखो माई के बाद बुक लिखा है, दैट इज़ योर्स, योर्स के बाद, माई के बाद बुक है और बुक नाउन है, तो माई के बाद तो नाउन लिखा है बुक, लेकिन योर्स के बाद किसी भी नाउन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एक्सरसाइजेज हम लोग PDF के फॉर्मेट में करेंगे। नाउ कम टू द पोजेसिव प्रोनाउन, विच इज़ द सेकेंड काइंड ऑफ प्रोनाउन। चलो अब पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है, कि पोजेसिव प्रोनाउन्स आर यूज टू शो पोजेशन। तो पोजेसिव प्रोनाउन का काम क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन हमें पोजेशन शो करने में मदद करता है। पोजेशन मतलब जिसको हम अपना मानते हैं कि हमारी इस चीज़ पर अथॉरिटी है, ठीक है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये हमारा है, ये मेरा है, ठीक है। तो जब हम किसी भी चीज़ को फोर्सफुली कहते हैं कि ये मेरा है, उसको हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन के तरीके से जानते हैं। चलो जैसे कि एग्जांपल में देखो, द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, तो ये इस सेंटेंस में माइन जो वर्ड है ये क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या एम्फसाइज किया जा रहा है, किस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है, किस चीज़ पर बल दिया जा रहा है, कि जो टेबल पर बुक्स हैं वो कोई भी व्यक्ति है, वो कह रहा है कि जो टेबल पर बुक्स हैं वो मेरी हैं, माइन, द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। तो व्यक्ति विशेष जो है वो क्या कर रहा है, उसको अपनी बातों को वो इस बात पर जोर डाल रहा है ना कि किताबें मेरी हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। द पेन ऑन दैट टेबल इज योर्स, इसी तरीके से ये भी एग्जाम्पल है कि भाई उस टेबल पर जो पेन है वो तुम्हारी है। तो जो दोनों के अबव सेंटेंसेज हैं, माइन एंड योर्स आर दी पोजेसिव प्रोनाउंस फॉर टू रीजंस। क्यों, दे रेफर टू सम पर्सन और पर्सन्स अ नाउन। माइन और योर्स क्यों है पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि किसी पर्सन को ये रेफर कर रही है, पहली बात, अगर किसी थिंग को रेफर करेंगी तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन का होने का कोई मतलब नहीं है, वो नहीं होगा। और दिस शो पोजेशन, पोजेशन मतलब हमने बताया ना, जहाँ पे हम अपना अधिकार जताते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद पोजेसिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको डिफ्रेंशिएशन समझना है, कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में अंतर आपको समझना है। देखो विच आर माई, आवर, हिज, हर, देयर, तो पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के बीच में आपको डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझना है। जैसे कि माई, आवर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस है, इसके बारे में आप जानते हो। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर है, देखो पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा कि माई, हिज, हर, देयर के बाद नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि तुमने उस सेंटेंस में पढ़ा था कि दिस इज़ माई बुक, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, माई के बाद नाउन का प्रयोग हुआ बुक, तो आप यहाँ से क्लियर करोगे कि ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर यही बुक माई के पहले लिख दिया जाएगा किसी भी केस में, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कैसे, क्या समझे डिफरेंस, पोजेसिव प्रोनाउन में हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज़ होगा, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव में वही नाउन उस एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल होगा, इट विल बी यूज बिफोर। चलो अब आ जाओ सिंगुलर और प्लूरल पे, ये हो गया आपका पोजेसिव प्रोनाउंस, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब पर्सन आपको दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, ठीक है, उसका पोजेसिव एडजेक्टिव आपको दिया जाएगा और पोजेसिव प्रोनाउन बताया जाएगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ये आपको लर्न कर लेना है। देखो फर्स्ट पर्सन के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, वहीं पे पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई। सेकेंड पर्सन के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव योर, और पोजेसिव प्रोनाउन योर, यू और योर के केस में सेम ही रहता है। थर्ड पर्सन के केस में देखो दोनों ही पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन हिज हिज इन केस ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, और हर हर इन केस ऑफ फेमिनाइन जेंडर। उसी तरीके से अब आ जाओ प्लूरल में, क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, आवर, एडजेक्टिव हो गया ये, और पोजेसिव प्रोनाउन आवर्स।
सेकंड पर्सन के लिए योर, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन योर्स। थर्ड के लिए देयर और देयर्स हो गया, और देयर का देयर्स। क्लियर? चलो ओके, तो एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे बच्चों इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। अब आ जाओगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस। चलो तो बच्चों हम लोग ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। अभी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं बिकॉज वीडियो बड़ा हो रहा है, और आप लोग को जितना भी पढ़ाया मैंने, जितना भी काम की करने के लिए कहा, उसको आप लोग कॉपी में कर लेना। जैसे आपने पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी थी, एग्जाम्पल लिखा था, उसी तरीके से आप पॉजिटिव प्रोनाउन का भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिखोगे, और फिर जब हम एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो आपको वो भी कॉपी में करनी होगी। ठीक है क्लास, थैंक यू।